परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि साधु ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया, शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबी साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबी और गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे आ रहे हैं। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदेले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु को कपड़े से पकड़कर कहने लगा, अंधा है, तुझको नज़र नहीं आता, तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना कुछ गवारा गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देख वह भी फिर से पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके ऑटो से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वही युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वे अपने घर पहुंच गए थे। वही युवा अपने जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवा का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्तों में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता, आपको जरा सी असुविधा पर भी धैर्य नहीं ना कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखी सवाल किया कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ।
साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवा बोला नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। मलंग ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठाका बुलंद किया और यह कहता हुआ, वहां से विदा हो गया तो भगवान की कसम मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है, आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। तो दोस्तों, हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको यह स्टोरी कैसे लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे।